बता रहा है तेरे मम्मी पापा ठीक है, इधर देख ना बुढ़ा आदमी के लिए भी क्यों रो रहा है। जैसे दादी से मिले ये सडनली रोने लग चुकी है। सांप के आकार की तरह ये होता है। रास्ते के दोनों तरफ आपको फर्न देखने को मिल सकते हैं। मम्मी से हम लोग गले भी नहीं मिल सकते हैं। कितने का हो गए बता दो चलो। और खाना पीना मैंने यहीं पर खाया। तुम तो घर में बना क्या करते हैं? नहीं तो आज भाभी जी ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है। माँ की दुख होती है, अपना बाप की दुख होती है। सामा से गोगिना का जो रोड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पूरा रोड आप देख सकते हैं, मतलब पूरा रोड डामर वाला बिल्कुल भी नहीं हो। दिन में कौन काम कौन करेगा हमारा। इंदिरा जा रही है आज ससुराल मायके से। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। मॉर्निंग मॉर्निंग बागेश्वर से अभी हम लोग जा रहे हैं गांव नामिक की तरफ, तो चलते हैं जी। ये वाली गाड़ी है जो डेली ही जाती है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर से भराड़ी मार्केट में, और आजकल गर्मी का टाइम भी है और सुबह सुबह बहुत जल्दी ही दुकानें खुलने लग जाती हैं। तो देखो थोड़ी बहुत दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं। अगर ठंडे का मौसम होता तो बिल्कुल भी दुकानें अभी तक नहीं खुलती, कम से कम 8:30-9 बजे दुकानें खुलती है। ये लो एक उसका विक्रम के लिए। विक्रम ले। ये सामने है नंदी, इसको हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग पहाड़ी शब्दों में। तो ये पहाड़ों में बहुत ज्यादा कामदार होती है, जिसके बाद गाय भैंस होंगे, जो पहाड़ी महिला होंगे, पहाड़ी पुरुष, कोई भी पहाड़ी इंसान देख सकता है, पहचान सकता है कि क्या है करके। तो हमारे मैडम जी का तो हो गया नाश्ता, 2 समोसे हो गए हैं, पानी भी पी लिया है, गाड़ी में बैठी हुई है क्योंकि बाहर अपना रहता है। यहीं से हम लोग थोड़ा बहुत इनकी सेवा करते हैं भाई। क्यों यहाँ पर ये वाली गाड़ी है भाई, ट्रेवलर वाली। और भराड़ी से पिंडारी ग्लेशियर का जो रोड है अलग कटता है, ये रास्ता आपका जाएगा नामिक ग्लेशियर जहाँ मेरा गाँव है दाएं तरफ है। ये रास्ता आपका जाता है पिंडारी ग्लेशियर, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक है और दानपुर घाटी में आती है। पिंडारी ग्लेशियर के अलावा यहाँ पर आप कपनी ग्लेशियर, फुरकिया, सुंदरडुंगा, दवाली, आती, बुहार खेत, अन्य चीजें हैं, यहाँ से पूरा ट्रैक कर सकते हैं। सामा से गोगिना का जो रोड है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पूरा रोड आप देख सकते हैं, मतलब पूरा रोड डामर वाला बिल्कुल भी नहीं हो रखा है। एक बार इसमें डामरीकरण हुआ था, इसके बाद बिल्कुल भी नहीं हुआ। सुनने में आ रहा कि अभी यहाँ पर जो है टेंडर चल रहा है डामर का, तो बहुत जल्दी अगर हो जाता तो बढ़िया हो जाता, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियाँ चलते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। देखो खुद सामने आप प्रूफ देख सकते हैं। तो अभी गाड़ी तो ना गोगिना की तरफ जा रही है, लेकिन यात्रीगण जो है बागेश्वर वाले पहले बैठ जाना, क्योंकि एक ही गाड़ी है ना तो भाई सीट नहीं होती है। देखो भाई यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पर इनके रिश्तेदार यात्रीगण उतर रहे हैं ना, तभी जाके उनको ही देखे हुए हैं। तो अब जगह जगह वे यात्रीगण उतरते रह रहे, जिन जिन का घर जहाँ जहाँ पर होगा अपना अपना सामान भी निकालते रह रहे हैं। और अंकल जी देखो भाई पाइप लेके आए हुए थे, ये देखो 4 पाइप लेके आए हैं और अभी रात्रि में उतर रखे हैं। चले जी अपना सफर गाड़ी तक का यहीं पर था, अब यहाँ से हम लोग जाएंगे पैदल अपने गाँव नामिक ग्लेशियर की तरफ। यहीं तक गाड़ी आती है और यहाँ से देखो सभी यात्रीगण उतर चुके हैं। भले का जाओ हम, हाँ ठीक चुप है गोगिना का भाई, तीन तीन लोग एक नाका है। अच्छा क्यों मुखा नैम का खो नैम का, हाँ न्यूतमा बहुन बहु आज जो हम लोग ससुराल, आज जो ससुराल से आ रखे हैं, हमारी छोटी बहन भी इंदिरा जा रही है आज ससुराल मायके से। अच्छी तरह जाना ठीक है, अपना ध्यान रखना, अच्छी तरह घर बार करना और आते रहना जब त्योहार के टाइम में, मेले के टाइम में, ठीक। अरे मैडम जी अपने मायके से ससुराल की तरफ आई, वैसे मेरी छोटी बहन भी जा रही है अपने मायके से अपने ससुराल। अब देखो भाई जाना तो पड़ता ही है, घर बार भी करना है तभी। और हमारे ताई जी मिल गए भाई, पैदल ही अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। भले का जाओ, हाँ इनकी तबीयत खराब हो रही है, और देखो पैदल ही हम लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है भाई। भले का खुश खबर करो, समय आ रहा है घर, बारिश लगने वाला है। तो चले जी रोड तो यहीं तक था, वैसे तो रोड आगे तक है लेकिन कच्ची सड़क है, अभी गाड़ियां नहीं जाती हैं, तो यहीं से हम लोग जा रहे हैं पैदल। अब अपना सफर है, एक बैग तो मैंने लगा रखा है पीठ में, एक बैग हमारे भाभी जी ने लगा रखा है। थोड़ा बहुत मैडम जी का प्रॉब्लम है ना, क्योंकि उसको पीठ में कुछ भारी सामान नहीं ले जाना है। तभी एक साक्षात रूप में भगवान के रूप में मतलब भाभी जी मिल गए हमें, और भाभी जी बोली थी कि मैं ले जा देती हूँ। ये रहा आपका पहाड़ी घराट, आजकल इसमें पानी नहीं है और शिवरात्रि का टाइम है, यहाँ पर बहुत बढ़िया पूजा पाठ होती है और जगह जगह पर आपको इस प्रकार की जलधारें देखने को मिलेंगी। अब पिथौरागढ़ साइड से हमारे गांव नामिक के लिए रोड की कटिंग पूरी हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। आजकल ककड़ियों का सीजन भी है, लेकिन जंगलों में ककड़ी की तरह एक प्रजाति होती है, इसे इंद्रायणी बोलते हैं। देखिए ना तो अच्छी है, फिर अंदर तो बहुत कच्ची है। अच्छा कड़वा अचार होती है, गंदा गंदा है, नहीं खाते है ना, नहीं खाते। तो भाभी जी भाई इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है,
पूरा बैग जो है खुद ही लेके आ रही है, और बैग बोक के नहीं बल्कि अपना एक ताउल होगा, ताउल को मोड़ के सर पे जो है कुछ अलग प्रकार का भारा बना के लेके आ रही है, क्योंकि आदत वैसी पड़ जाती है भाभी, मतलब सर पे लगाने की आदत होगी ना। देखो रोड भी आ गई, अब तो सब रोड आ गई, अब तो लाइट भी आ जाएगी, आ जाएगी। दिन में लाइट चाहिए नहीं चाहिए? दिन में तो कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्यों दिन में तो अपना काम करती है, लाइट तो कौन चाहेगा, बहुत बिजली का खर्चा आएगा। खाली रात को चाहिए लाइट? रात को चाहिएगा, दिन तो हम तो अंदर कोई कहीं जाएगा तो फिर दिन में क्या चाहेगा हमको लाइट। मतलब काम काज काम काज करती है हम, और रात में सब पूरा लाइट चाहिएगा। ये बात है एक पहाड़ी और पुरानी महिला ही कह सकती हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में संसाधन हर किसी को चाहिए, जैसे कि शहरों में बिना लाइट के भाई दिन ही नहीं गुजरता। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही तो लाइट ज़रूरी है, वरना पंखा अगर नहीं चलता है तो भाई पसीने से हालत कितनी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो ये अंतर होता है एक पहाड़ी पुराने महिला में और एक नए ज़माने के लोगों में। नए ज़माने में देखो उन्होंने फ़ोन का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया, वो चाहते तो फ़ोन का जिक्र कर सकते थे कि लाइट चाहिए, चार्ज करेंगे, फ़ोन चलाएंगे, ऐसा कह सकते थे। फोन पहचाना ना, फोन ना पहचाना हो, नंबर ना पहचान, नंबर नहीं पहचानते हो? नहीं पहचानते, लेकिन पढ़ी हो ना पहचानो, लेकिन पढ़िया ना उन पर उम्मीद कोई नहीं। लेकिन बात तो आप जो है ना पढ़े लिखे वालों से भी अच्छा कर रहे हो। हाँ, ये होता है कि पढ़ना जरूरी नहीं है, ज्ञान होना जरूरी है, मतलब कि आपके आसपास क्या क्या चीजें हो रही हैं, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। लाइट के बिना तो कुछ है ही नहीं, अंदर मतलब दिखता, अंधेरा हो जाता है। तो कैसा लग रहा है आपको, आप अपने मायके से ससुराल में आ चुके हो? ठीक लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि उतना ठीक नहीं लग रहा। क्यों? अभी जी जैसा कि अभी आपकी बेटी भी मायके से ससुराल गई ना, तो और ये भी अपने मायके से ससुराल आई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दुख होता नहीं होता? होता है, अपना माँ की दुख होती है, अपना बाप की दुख होती है, भाई बहन की दुख होती है, सबकी याद आती है, तारा का मामूल है, दूरा का रिश्ता है। आपका मायका कहाँ हुआ? मेरा मायका ये कीमू है। कीमू, अच्छा, जो इस ये धार पार गांव है ना। हाँ। तो भाई लगा लो ऊपर के, फिर सटांग ने सटांग की ऊपर है मेरा मात हुआ। खाना अंधेरा में कुछ नहीं होता है, ये जिंदा मिल पोर मना खून ले ना ये खून भवान पुरान महीने के बाद खून भवान मिल अच्छा ले लेनी भाई सरुजा लेनी छत पर खून बवा मिल खून बवा मेरे चोरी परोठा गलन वो कह बे खून उजाओ कह बे ए अब अन्यार वो अन्यार मैं वो उन्हीं बोई। हमारे भाभी जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में भी और हिंदी लैंग्वेज में भी। देखो भाई, मतलब अपनी दुख दर्द बता रही थी जो कि हकीकत है, और साथ ही अपना गांव जो बादलों के नीचे खूबसूरत सा पहाड़ है, इसके नीचे अब थोड़े थोड़े मकान दिख रहे हैं, वहीं पर अभी हम लोगों ने जाना है। साथ ही पिथौरगढ़ साइड से पूरा रोड देखो भाई इस प्रकार से यहां तक पहुंच चुकी है, पंचायत घर तक, तो जो कि काफ़ी खुशी की बात है। जी का भी दिल से धन्यवाद करते हैं जो कि हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखो पूरा बैग ले जाती थी भाई, शहरों में अगर कोई एक बैग ले जाती थे ना उसके भी पैसे लगते हैं। ताऊ जी हमारे रात्रि के ठीक है ना ताऊ जी? अभी बकरियों के साथ कहाँ जाओगे? बकरी के साथ चौफा टॉप नामिक से कम 10-12 किलोमीटर ऊपर। हाँ, 10-12 किलोमीटर होगा। हाँ, तो आजकल हरियाली इतनी ज्यादा हो रखी है, जब हम लोग ससुराल की तरफ जा रहे थे तब तो उतनी हरियाली नहीं थी, अब सडनली देखो भाई इतनी ज्यादा हरियाली छा गई है पहाड़ों में। हमारे दीदी लोग मिल गए, दीदी बड़े रहा, और दीदी लोग जा रहे हैं ससुराल, अपने मायके से जा रहे हैं ससुराल, और देखो सूपा लेके आ रहे हैं। ठीक है फिर, अच्छी तरह जाना। हाँ, तो यार दोस्तों कोई लोग अपने ससुराल जा रहे हैं, कोई लोग अपने मायके जा रहे हैं, मैं अपने मायके से ससुराल जा रही हूँ। बरसात का टाइम है ना दोस्तों, एक इस प्रकार से सांप के आकार की तरह ये होता है, ये देखो पूरा इस प्रकार से फन टाइप का निकला है, और ये देखो पूरा सांप की तरह लग रहा है, और पत्तियां देख सकते हैं आप, एक पौधा है ये, तो इसको हम लोग बांक बोलते हैं, एकदम जहरीला होता है। बागेश्वर जिले से पिथौरागढ़ जिले में एंटर करने वाले हैं। तो भाई सामने जो उधर का एरिया दिख रहा है, पूरा एरिया पिथौरागढ़ जिले में आता है जहाँ मेरा गांव है। ये पुल बहुत ज़्यादा पुराना है, और इस पुल का नाम है रामगंगा पुल, जो कि बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के विभाजन को जोड़ती है आपस में। ये है रामगंगा नदी जो कि नामिक ग्लेशियर से आती है, और इस नदी के कारण ही बागेश्वर जिला और पिथौरागढ़ जिले का विभाजन हुआ है। तो ये नदी का आकार अभी थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी थोड़ी बहुत कम है, लेकिन ग्लेशियर पिघलने के कगार में आए तो पूरा पानी देखो पिघल कर कैसा हो चुका है। बागेश्वर जिले का नज़ारा कुछ इस प्रकार से, देखो बड़े बड़े खूबसूरत खूबसूरत हरे भरे पेड़ पौधे के पहाड़,
और सामने है रामगंगा नदी, मस्त रे कलकल कलकल आवाज में आगे की तरफ जाते बढ़ती रह रही है। अब यहाँ से पूरा का पूरा घर तक की खड़ी चढ़ाई है, तो फटाफट अब हम लोग चलते हैं घर। हम लोग घर पहुँचने वाले हैं और अभी देखो रास्ते के दोनों तरफ आपको फर्न देखने को मिल सकते हैं, इन्हें हम लोग अपनी स्थानीय भाषा में रौन बोलते हैं। गांव जाते जाते सुनने में आ रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, बल तो थोड़ा बहुत सैड टाइप के हो गए यार, मतलब माहौल बहुत बेकार हो गया बोल रहे हैं गाँव में, मतलब 2 लोगों की मौत हो गई बल। एक जो हमारी चंपा दीदी थी जिसके साथ मैंने ब्लॉग बनाया था, हेलीकॉप्टर हम उनको हॉस्पिटल पहुँचा रहे थे, एक उनकी भी डेड होगी कह रहे हैं, और साथ ही एक हमारे बहुत बुजुर्ग दादी जी थी नीचे पे, तो उनकी भी डेड होगी बोले यार अभी 4-5 दिन पहले। तो दोस्तों यहाँ पर से भाभी जी अपने घर की तरफ जाएंगे और हम लोग अपने घर की तरफ, और आज भाभी जी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद करी है। भाभी जी की वजह से ही अभी मैडम जी को सामान नहीं लाना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन ऐसे था वरना आज हमारी हालत डाउन हो जाती। धन्यवाद भाभी जी, धन्यवाद। और देखो पहाड़ की महिलाएं सीधे साधे सरल स्वभाव के होते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनती और साथ देने वाले हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि आपने खुद देखा होगा। भले मेरा हाँ सब बढ़। तो अभी हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं और जो भी लोग मिलते हैं सभी से रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, सभी को प्रणाम नमस्ते करना पड़ता है, क्योंकि भाई अभी इतने दिनों के बाद हम लोग आ रहे हैं। और देखो छोटे छोटे बच्चे अभी स्कूल से आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो भाई ये रहा अपना गाँव, बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं, लकड़ी की भाड़ी भी दिख रही है और खूबसूरत खूबसूरत पुराने पहाड़ी मकान। तो भाभी जी स्वास्थ्य माने मस्त, हाँ हाँ। तो चलते हैं जी, पहले हम लोग चलेंगे होम स्टे में, और होम स्टे में ही पापा मम्मी लोग से पहले मुलाकात करेंगे। यहाँ पर भाई देखो पूरा चेंज हो गया भाई, घर चेंज हो इसलिए क्योंकि पत्तियों देखो पेड़ों में इतने सारे पत्तियाँ फूल इतने मस्त खिले हुए हैं, और साथ पूरा मकान देखो भाई। तो अभी ये रहा अपना होम स्टे, और मम्मी जी खेतों में काम कर रही है देखो भाई, तो मम्मी से पहले मिल लेते हैं। तो मम्मी अभी यहाँ पर खेतों में, अच्छा बाहर गए हो, यहाँ पर खेतों में काम कर रही है, और मम्मी से हम लोग गले भी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत पीरियड से चल रहा ना भाई, टच नहीं कर सकते पहाड़ों में, थोड़ा बहुत देवी देवता का पवित्र स्थल है तभी जाके। मम्मी से भी बड़े दिनों के बाद मिल रहे हैं, मम्मी कैसे हो रहे हो, बढ़िया स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया, हम तो बढ़िया हो रहे हैं। तो मम्मी जी से मिलके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं हम अपनी मम्मी से। मीना भी कह रही थी वहाँ पर बार बार घर चलते हैं घर चलते हैं घर चलते, लेकिन मेरी जिद थी कि मैंने कहा कि थोड़ा यात्रा करते हैं करके, और फाइनली मम्मी से हो गई है मुलाकात। और बताओ मम्मी जी, हाथ 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 देखो पूरे मिट्टी से, अभी खेतों में काम कर रहे थे, 3 फूल है ना वो लग जाएगा, तो 3 प्रकार के फूल लेके आए थे हम। ये देखो भाई अभी फूल इतने ज़्यादा मस्त खिले हुए हैं घर में, अलग अलग प्रकार के फूल आप देख सकते हैं ये देखो। और जैसे अभी हम लोग घर पहुंचे मम्मी जी लगाने लग गई है फूल, अभी यहाँ पर रात की रानी वाला लगाने वाली है, ये रात की रानी है हाँ। तो रात की रानी लगाएगी, और फूल इतने मस्त लग रहे हैं भाई। मम्मी क्या कहना चाहोगे फिर, आपकी बहू ने फूल लेके आया, क्या कहना चाहते, फूल भी अपना घर जगमगाया, फूल लाएगा तो तुम्हारा ही तो है ये, बाद में भविष्य में तुम्हारे बच्चे उगरेंगे तोड़ेंगे सुगंध आएगा फूल, उसमें मंदिर में ले जाओगे अच्छा ही हुआ। तो भाई फूलों में थोड़ा बहुत पानी देते हैं, फिर अभी चलते हैं हम लोग दादी से मिलने के लिए। तो यहाँ साइड से भी नज़ारे देखो भाई बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अभी बादल भी आसमान में बहुत सारे खिले हुए हैं, और इस साइड देखो भाई पूरे आलू के यहाँ पर फूल भी लगे हैं, और आलू के जो तने हैं पौधे हैं बड़े बड़े हो गए हैं। और अभी चले जी हम लोग जाते हैं अपने पुराने मकान पर, और वहाँ पर दादी होगी तो दादी से भी मिल लेंगे, मम्मी से तो होगी मुलाकात। और सामने रहा अपना गाँव नामी ग्लेशियर, एक खूबसूरत सा गाँव जहाँ पर आजकल का मौसम और आजकल का पर्यावरण हरा भरा हो रखा है। अभी हम लोग अपने पुराने मकान में पहुँचने वाले हैं, और देखो पूरा अशोक का पेड़ भाई पूरा कैसा खिला हुआ है हरा भरा। और रैगी को देखो, रैगी कितना कमज़ोर हो गया भाई, ये देखो रैगी इतना कमज़ोर, ओ भाई साहब। और चलते हैं, ये अपना मकान है, ये हमारा रैगी है, हमारा ही रैगी है यार, क्या हो गया ये, क्या हुआ बच्चे। और रैगी से भी मुलाकात होगी, लेकिन रैगी देखो भाई इतना कमज़ोर हो रखा है, ये देखो इतना कमज़ोर हो रखा है, इसको पता नहीं इतना कमज़ोर कैसे हो सकता है यार ये। तो भाई मतलब डॉग तो डॉग होते हैं भाई, इतने ज़्यादा वफादार होते हैं, जैसे हम लोग आए भौंका तक नहीं उसे पता था कि हम आ रहे हैं, और इतना मस्त करके मतलब देखो मतलब पूरा पूँछ चिल्ला रहा था, ये कैसा बढ़िया ना। ये पुराना मकान है, और मकान का जो अभी माहौल है वो बहुत शांत है ना, कोई नहीं है घर में, क्यों पापा कुछ काम से बाहर गए हैं, मतलब दादी जी कहीं पर होगी, चलो बुजुर्ग है, मम्मी अभी खेतों में काम कर रही है।
यहाँ पर चेरी देखो, इनके छोटे छोटे बच्चे और के चेरी वेरी के, ये देखो चेरी, आजा आजा। तो ये चेरी वेरी देखो भाई कितने मस्त लग रहे हैं और जितने बड़े हो गए ये बेरी है, ये चेरी है। तो रैगी से भी मुलाकात होगी, रैगी बहुत कमजोर और है यार सच में, और चेरी बेरी की जो हाइट है वो बहुत अच्छी, बड़ी ग्रोथ बड़े और इनका। ये वाले सीजन में जो डॉग होते हैं उनके बाल पूरे निकल जाते हैं, तभी जाके पूरा कमजोर लग रहा रहेगी। और अब तो इनको कपड़े, जो मैंने इनको कपड़े लगाए थे बनाए थे वो इनको बहुत छोटे लगेंगे, अब इनके लिए नया कपड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि ये हमेशा कपड़े लगाते हैं। तो अपने जानवरों से भी मिलके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमने उन्हें बचपन से पाला हुआ है तो अच्छा लगता है, और उनकी भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और देखो यहाँ साइड से कुछ ऐसा दिख रहा अपना घर, पूरा हरा भरा टाइप का माहौल और क्या, घर में भी ये देखो भाई, देखो पूरा हरा भरा, पूरा फूल भी अच्छे खिले हुए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने बड़ी दादी के पास, थोड़ा बहुत रिया के लिए कुछ लेके आया था जैसे कि आपको पता होगा। ये मेरी बूढ़ी दादी जी लोग का घर है, यहीं पर चलते हैं, शायद घर में है। ये मेरा प्यारा सा बेटा जी भी हल्द्वानी से आ गया, आ गया ना, नमस्ते, दो बार नमस्ते कर दिया। रैगी भी मेरे साथ आ रहा है आंगन में। तो यहाँ पर देखिए अभी पूरा रिंगाल का कार्य चल रहा है, शायद पूरा रिंगाल से, और अभी किचन में देखते हैं। नमस्ते नमस्ते। और खाना पीना मैंने यहीं पर खाया, चश्मा लगा रहा, थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है ना। अच्छा आज के लिए अल्मोड़े से आ रखे हैं, मोतिया बिंद हो रखा है आँखों में दादी जी के, बुढ़ापे में आँखों की रोशनी भी बहुत ही ज्यादा चली जाती है, वैसे तो पूरा शरीर में वीकनेस होता था अभी। दादी यहाँ पर देखिए अभी ताकुला बुनने में लगी पड़ी हुई है, ये पूरा जो अभी ऊन है ये भेड़ों का होता है, ब्लैक कलर का भेड़ होगा उनका ऊन है, ताकुला काट रहे हैं, बाद में इससे कोट बनाया जाएगा। चाची जी तो ले जा रही है अभी अपने पशुओं के लिए घास, और अभी हमारी दीदी जी राजमा के पौधों में ये टहनियाँ लगाने पड़ती ना रिंगाल के, वो ले जा रही हैं। तो अभी हम लोग दोबारा फिर से आ चुके हैं। चाची जी नमस्ते, नमस्ते। दादी जी की बहुत याद आ रही है पूरी यूट्यूब फैमिली, दादी इंदर दा मिले थे, सुबह मिले थे, रात तो जब चम्मू होने से ना बकरी का बच्चा लेके आया चम्मू। अपन दादी फोटो रो क्यों रही है, रो रही है वो तो, रो क्यों रही है, क्यों रो रही है? मम्मी पापा ठीक है, इधर देख ना, रोने का तो बुढ़ा आदमी के लिए भी क्यों रो रहा है। ये सडनली रोने लग चुकी है, पता नहीं क्यों रो रही है, क्या क्या हुआ, तो पता नहीं कुछ सोच रही होगी मन में तभी जाके रो रही है, अब कोई कोई रीजन होगा। आंसू क्यों निकल रही है, आंसू लग रहा है तेरे मम्मी पापा के लिए, निशास लग रहा, फिर दादी के लिए रो रहा है, तेरे दोस्त के लिए रो रहा है, जब दादी को मिल गई आंखों करके रो रहा है, फिर दादी की याद आ रही थी हमारी है। हाँ बल अम्मा आपकी याद आ रही थी बल, मेरे को बहुत याद आया था उस दिन, मेरे को कितना से मुलाकात होगी है, और दादी जी को देखते मैडम जी रोने लगी भाई। अम्मा आपको देखते क्यों रो रही थी है? हाँ सच में आपको देख के इतना आंसू निकाल रही है। मैंने रोया मीना, हाँ कब रोया मैं बता चल, हाँ फिर वही तो एक बार देख लो फिर। मीना करते कि आप लंबा नहीं थोड़ा छोटा टाइप का लगाते हो, करते ना ठीक है, तो चलो मम्मी जी को पसंद आ गया इसमें ही बड़ी बात है। और आज तो मम्मी का थोड़ा बहुत सर दर्द हो रहा था, अभी जाके ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हो, चलो लगातार बोलते रहेंगे क्यों मम्मी। और दादी जी के लिए लेके आए हैं अभी 2 किलो रसगुल्ले के डब्बे, एक क्या बोल लो सुनो, क्या कह रहा जो एक गिफ्ट देखा तो कुछ दिनों के बाद निकाल ही देगा, मैं नहीं लगाता ये, हाँ तो लेकिन निकाल देगा ना, 3 रुपए लगे। अच्छा मतलब कब निकालना हुआ, का नहीं तू मेरा का... चलो ठीक है, मेरे पैसे नहीं लगे हैं, रसगुल्ला खाते समय मुड़ी बन का खाया निकालना नहीं चाहिए वो मेरे मेरे पैसे का नहीं है यार अमा। अरे सच एक बात सीरियस कह रहा हूँ मम्मी, सच में एक गोपेश्वर में एक अंकल मिले थे ना, वो हमको मिलने के लिए हॉस्पिटल में आए, और फिर आपके लिए मम्मी के लिए पैसे दिए थे उन्होंने, एक तो कसम से इसको पूछो 2000 रुपए दिए थे उन्होंने, 2000 रुपए दिए थे उन्होंने, अरे उनको वो कल मिले थे हमें, वो उनको मैंने जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना मम्मी
तब के टाइम में बोला था जब हम मतलब रनिंग रनिंग करते थे, वो कह रहे थे कि आपकी मम्मी लोगों ने बहुत ज्यादा सेवा करा करते सच में। दादी जी के लिए रसगुल्ले लेके आए हैं, 2 किलो रसगुल्ले का डब्बा है, अभी देते हैं दादी को। और आज तो मैंने दादी जी के लिए पूरा बीड़ी का डब्बा भी लेके आया हूँ, क्योंकि देखो अब बुजुर्ग है तो बीड़ी कोई बात नहीं अपना पीती है। अब मैं भी समझ गया हूँ, बीड़ी मत पियो मत, नहीं बोला सर नमस्ते। एक दिन शीर से भी निकाल दे। तो अम्मा जी के डायलॉग के लिए, मम्मी जी की बातों के लिए लोग बहुत दिन से तरस रहे थे, 1-2 महीने से तरस रहे थे। तो आज से मतलब डेली अम्मा आएगी ब्लॉग में। इसके मुख से जब ये हम तो बार बार आता था तो आपके वीडियो में, लेकिन इसकी मुख अच्छा नहीं है, इसकी जीभ अच्छा नहीं है, तब हमको बुरा लग रहा है। अच्छा, इसने कहा वो हमारे दिल में आ जाता है खटक। हाँ ठीक है, क्योंकि दोस्तों अम्मा जी का कहना बिल्कुल भी सही है। तो आगे से हम लोग पापा जी का इंतजार कर रहे थे। तुम तो घर में ही बना क्या कर रहे हैं? नहीं तो आगे? मेरे पापा जी बहुत गोरे हो रहे हैं। नमस्ते भाई, आपको ना मेरे ससुर जी बहुत याद करते सच में, आपको मोहनदा को। बाबा तो नमस्ते ना मंदिर है। अरे अरे ससुर जी बहुत याद करते हैं आपको। अच्छा ऐसे करते ना, बहुत ज्यादा याद कर रहे कहते हैं यार, फिर कभी मिलने के लिए ना। हमको भी हमको बहुत याद आता है। याद याद कह दी कौन सा? बहुत याद आता है, शायद आप लोग साथ बहुत रहे। बहुत याद आता है आपका, आओ बोल देना। यहाँ तो देखो क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं आप बोल देना ना, बहुत याद आता है बोल देना। अच्छा कभी हमारे नगरी में भी घूमने के लिए आ जाओ। हाँ एक गोरे गोरे वालों को बोले थे और एक अपने बड़े पापा को कह रहे थे ना, एक केदार ठुलाब को। हाँ ठीक हो गया फिर। हाँ हमारे ससुर जी बोले थे मोहनदा हमारे बड़े पापा जी और हमारे जो केदार बड़े पापा जी उनको याद कर देना करके, तो अभी पूरा मैसेज दे दिया, वो भी बहुत खुश हो गए हैं। तो भाई पापा जी मेरे से थोड़े बहुत नाराज हैं, तो उनके लिए चाय लेके जाता हूँ मैं पहले। तो अभी हम लोग अपने होम स्टे में हैं और ये सामने अपना होम स्टे खूबसूरत सा। तो पापा जी के कपड़े मैं हमेशा लगा देता हूँ ना भाई, जूते होते, तो आज मैं अपने रुपये के लिए उनके लिए लाया था ट्रैक सूट। तो देखते हैं कितना प्राइस बोलते हो, अभी देखते हैं, फिर उनको मैं अभी बिल दिखाता हूँ। तो ये है पापा आपके लिए, ये है अपर लोअर। ये बात देखो, ये बात देखो तो सही कलर क्यों अच्छा है, कितने रुपए का होगा बताओ। चलो ऐसे अपने अनुमान से बताओ, कंपनी देखो और सर्च मारना यूट्यूब में और इसमें किसकी कंपनी कितने का होगा बता दो। चलो देखता हूँ, बताऊंगा। हाँ तो भाई पापा जी रेट देख रहे हैं इसमें अभी, 1200-1300। ये बिजली ये पकड़ो, अब इसको देखो कितने का है। ये मोल से लाया गया? नहीं अब रुको तो सही, अब बताना मत रेट यहाँ पे कितने का है। सही है तो भाई पापा ने रेट पढ़ लिया है। हाँ फिर मोल से लाया अभी, जितने का ये प्राइस है ना भाई, ये कुछ नहीं हुआ क्योंकि पापा जी लोग ने बचपन से इतना पाल लगा पूछ रखा है ना, तो अपनी तरफ से हमेशा गिफ्ट देना चाहिए। जैसे मम्मी जी को फूलों से प्यार है ना, मम्मी जी मम्मी आपको कपड़ों से उतना प्यार नहीं जितना फूलों से प्यार है ना, तो मम्मी जी के लिए हम लोग 3 फूल लेके आए थे। अभी 3 फूल तो हमने लगा दिया, आते लगा लिया उसको, और अम्मा जी के लिए 2 किलो रसगुल्ला लेके आए हैं। मेरा हाँ अभी डोका कहाँ ले जा रहे हो बना के? अच्छा अम्मा साहब जी के लिए डोका बना के ले जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, मेरी मम्मी जी मैडम जी और दादी जी तीनों ही यहाँ पर हैं, और जो मम्मी जी ने गिफ्ट किया था ना वो देखने के लिए ना मम्मी। हाँ। और स्वेटर अच्छा लगा? हाँ। पौधे कैसे थे? ये बार बार स्वेटर ली था। एक बार अब अरे सुनो तो सही, यहाँ तो देखो अपना डायलॉग मारो ना ऐसा करके, वाओ ऐसा ऐसा देखो ऐसा वाला। तो भाई आपने आवाज तो सुन ली होगी मेरी बड़ी मम्मी जी, जो मेरे को भाई यूट्यूब में मेरी मम्मी के पास सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, मेरे बगल में ही रहती है। और मम्मी जी प्रणाम प्रणाम भाई, जीते रहो जीते रहो बेटा जीते रहो। ये देखो भाई मम्मी जी अभी भी काम करने में ही लगी पड़ी है। हाँ। अभी क्या बनाओगे इससे? मोस्टा बनाएंगे, मोस्टा। तो देखो भाई और स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया? ठीक है भाई, आप ठीक है? हम भी बढ़िया है। इतनी देर क्यों गया भीर? इतना देर नहीं है, 26 दिन जो हो रहा है। 26 दिन की कमी थोड़ी थोड़ी है भीर। अरे वहाँ दादी गुजर गई थी ना? दादी हाँ, उनकी अम्मा मर गई थी। फिर उन्होंने रोका था वरना आ जाते। ठीक है अभी मिलते हैं। हाँ ठीक है बा। तो अभी बड़े मम्मी से जीते रहो जीते रहो, इतना देर क्यों? दादी गुजर गई थी ना, सो
चोट लगा। अरे यार देखो काम करते करते चोट लग रहा है, फिर भी काम कर रहे हो, देखो लगा लो। कब से दोस्तों आप लोगों ने भी इस आवाज को सुनने के लिए तरस रहे होंगे आपके कान, और मम्मी जी हमारे ब्लॉग में इतना मस्त बोलते हैं ना, तो कब से आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कि बड़े मम्मी कहाँ गए करके। अरे यार ऐसा क्यों बोलते हो, आपका नाती ऐसा इतना बुरा भी नहीं है जितना सोच रहे हो। ये बीड़ी, अरे आधा बीड़ी मैंने उनको दिया ना, उन्होंने बैग ला दिया ना। अभी शाम का समय हो गया, दादी जी तो अभी आलू काट रही है। ये वाले आलू जो आजकल लगाए गए थे ना, तो वो नए आलू हैं, तो पूरा व्हाइट दिख रहा है, और मैडम जी तो काम करने में लगी पड़ी है। ये देखो नए आलू हैं। दादी आलू लगा नहीं लगा? अब लग रहा नहीं ना, रूल मूल हो, छोटे छोटे हैं। तो कल मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों और सगे संबंधियों के साथ, और चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय।